नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पतंग की डोर में अटक कर जख्मी हुए पक्षियों को विरार के करुणा ट्रस्ट ने दिया जीवनदान। कुल 19 पक्षियों का किया गया उपचार, 4 पक्षियों की हुई मृत्यु। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सरोबार नजर आ रहा था। हर तरफ पतंगबाजी में मस्त नागरिक अपनी ही मस्ती में व्यस्त थे। जिस समय इंसान पतंगबाजी का आनंद उठा रहा था, ठीक उसी समय उसी पतंग की डोर में अटक कर कई पक्षी जख्मी हो गए। ऐसे पतंगबाजी के चलते जख्मी हुए पक्षियों के लिए विरार की करुणा ट्रस्ट नामक सामाजिक संस्था ने एक मेडिकल कैंप रखते हुए जख्मी पक्षियों का इलाज किया। आपको बता दें, इस ट्रस्ट के तत्वाधान में पिछले 3 दिनों में शहरी भाग में मांजे में अटकने वाले कुल 19 पक्षी, जिसमें कबूतर और कौवे शामिल है, का उपचार किया गया। 4 पक्षियों की गंभीर चोट लगने के चलते उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। आपको यह भी बता दें कि शासन ने नायलॉन के मांजे की बिक्री पर पाबंदी लागू की हुई है, उसके बावजूद मार्केट में धड़ल्ले से नायलॉन के मांजे बेचे जा रहे हैं। इन मांजों की चपेट में आने के चलते कई पक्षियों के पंख पूरी तरह से टूट गए हैं और वह पक्षी हमेशा के लिए आसमान में उड़ने से लाचार हो गए हैं। करुणा ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों ने इस विषय पर गहरी चिंता जताते हुए तीव्र रोष प्रकट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। मेरा नाम मितेश जैन है, मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ। मैं करुणा ट्रस्ट विरार का ट्रस्टी हूँ। हमारे करुणा ट्रस्ट विरार जो है वो 18 साल से है, जो कि विरार से नायगांव तक इसको फ्री ट्रीटमेंट देती है, और ये कैंप हमारा 15 साल से लग रहा है। ऑल ओवर मुंबई में 25 से 30 कैंप अलग अलग संस्था से लग रहे हैं, और पिछले साल देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा पक्षी घायल मिले थे, और वसई विरार एरिया में 100 से ज़्यादा पक्षी घायल मिले थे। ये कैंप ऐसे तो 2 दिन का होता है, पर अब की बात 3 दिन का कैंप है, 14, 15, 16, क्योंकि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को है। आज पहला दिन है कैंप का। पहला दिन कैंप में 9 पक्षी घायल आए हैं, और चाइनीज मांजा बैंड है। चाइनीज मांजा बेचने से कार्रवाई तो होती है, साथ में पक्षी भी घायल होते हैं और साथ में ह्यूमन भी घायल होते हैं। पक्षी भी घायल होते हैं, वो तो ज़िंदगी भर उड़ भी नहीं पाते, और कहीं अभी जान भी चली जाती है। हमारी 2 दिन की मज़ा के लिए हम पक्षियों को ज़िंदगी भर की सज़ा दे देते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ कबूतर की जान जाती है, नहीं, उसमें सिर्फ कबूतर की जान नहीं जाती है, बल्कि पूरे परिवार की जान जाती है। जब कबूतर बच्चों के लिए खाना लेने जाता है, तब वो मांजे के फंसने से वो मर जाती है, और वो बच्चे भूखे ही मर जाते हैं, तो उनके पूरे परिवार की जान के भागीदार हम बन जाते हैं। मकर संक्रांति एक खुशी का त्यौहार है, इसे दान पुण्य या गुड़ तल खा के भी मना सकते हैं, ना कि किसी की जान लेके। हम सोचते हैं कि ये 2 दिन का त्यौहार है, हम 2 दिन में पतंग चका के तो चले जाते हैं, 2 दिन मजा कर लेते हैं, पर कहानी आगे से शुरू होती है। 365 डेज एनजीओ और फायर ब्रिगेड का कॉल आते हैं, जिसमें पेड़ पे या वायर पे लटके होते हैं, तो ये एक्सटेंशन पाइप है जिसकी मदद से हम पक्षियों को निकालने में कोशिश करते हैं, और ज़्यादा हाइट होती है तो फायर ब्रिगेड की मदद लेते हैं। मेरा यही कहना है कि खुशी का त्यौहार है, इसे हम ना किसी को कष्ट या पीड़ा दे के मनाएं, बल्कि दान पुण्य करके मनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।